औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की रेसिपी है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं जो है ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने एक किलो दूध जो है वो ऊपर रखा है सिलेंडर पे, तो गर्म कर रही हूँ। इसमें मैंने चीनी जो है वो ऐड कर दी है। आप लोग बेशक दूध को बॉयल आने पर ऐड कीजिएगा, और इसमें सब्ज इलायची 2-3 डाल दें, तो मैंने डाल दी हुई है। तो अभी जैसे ही ये बॉयल आता है दूध को, तो इसमें मैंने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने कस्टर्ड जो है वो 5 चम्मच कस्टर्ड भर के जो है वो मैंने अलहदा से 1 कप दूध लिया, उसमें मैंने 5 अदद कस्टर्ड की चम्मच जो है वो ऐड की है। ठंडे दूध में मिक्स करके डालिएगा, क्योंकि वो गर्म दूध में अगर डालें तो वो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो वो कस्टर्ड टेस्टफुल नहीं बनता। तो ये मैंने जो है वो इसमें दूध में मिक्स कर रही हूँ। अभी मज़ीद ये जिस तरह जब तक इसको मैंने मिक्स नहीं करना, दूध में नहीं डालना, तब तक मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिएगा जी, तो दूध को बॉयल आ गया था, तो इसमें मैं अब कस्टर्ड जो है वो ऐड करने लगी हूँ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आते जाएंगे और ये जो है वो ठीक होता जाएगा। तो बॉयल आ जाएंगे तो ठीक होगा, तो फिर वो टेस्टफुल बनेगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखा, ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम चमचा जो है वो चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी गिठलियाँ ना बने। तो कस्टर्ड जो है ये एक स्वीट डिश है, आप ये गेस्ट के सामने भी बना के रख सकते हैं, दावत में भी आप इसको जो है मीठे के तौर पे रख सकते हैं, और वैसे भी घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको वो पसंद होता है ये इस तरह का कस्टर्ड जो है, तो बच्चों के लिए भी बेस्ट होता है। तो घर में रखना चाहिए वैसे भी, कि जब तक जब बच्चों को खिलाना हो तो बना लेते हैं ये। ये ज़रा बॉयल आने से ना कस्टर्ड टेस्टफुल हो जाता है। अब जैसे ही ये ठीक हो जाएगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। अभी ये पतला है, तो मज़ेदार और जो है वो टेस्टफुल कस्टर्ड जो है वो इस तरह बनता है कि इसी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह कस्टर्ड बनाएं। तो ये जब रेडी हो जाएगा तो इसको अभी मज़ीद 5 मिनट इसको पकाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और जितना ठीक होगा वो आप देख सकते हैं। तो ठंडा होने पर ये ज़्यादा सही हो जाएगा, मतलब कि गाढ़ा हो जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा।
जो लोग कस्टर्ड ज़्यादा ऐड कर देते हैं, कस्टर्ड पाउडर जो है वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उस वजह से कस्टर्ड को बॉयल नहीं आते और वो ऐसे उसका जायका नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कस्टर्ड पाउडर जो है वो कम यूज़ करें और इसको पका के तो ठंडा होने के लिए रख दें तो ये काफ़ी टेस्टफुल बनता है। और प्लीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है, ये देखें ये अब ठीक हो गया है और ठंडा होने पे मज़ीद ये ठीक हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।